अच्छा जी, हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। पहला टॉपिक है ये। सबसे पहले तो ये कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। हम इस वक्त जिस वर्ल्ड के अंदर सरवाइव कर रहे हैं, उस वर्ल्ड के अंदर हर चीज़ जो भी कुछ हम यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड कर रही है स्मार्ट डिवाइसेस पे। ठीक है, स्मार्ट डिवाइसेस का मतलब ये है कि जो भी चीज़ है, जैसे पोर्टेबल डिवाइसेस, जितनी भी लैपटॉप्स हो गए, हमारे स्मार्टफोन्स हो गए, हमारे टैबलेट्स हो गए, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इंटरनेट के साथ साथ इजीली इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में बहुत मददगार साबित होती है। अच्छा, हम लोग हैबिचुअल हैं किस बात के? हम इस बात के हैबिचुअल हैं कि हमारे अंदर केयर नहीं है। हम नॉर्मली जितने भी डिवाइसेस यूज कर रहे होते हैं वो हैंडल विद केयर के उसूल पे यूज ही नहीं कर रहे होते हैं। तो आपको बार बार ये कहा जा रहा होता है कि आपने ऑफिशियल पीसीज, जितने भी ऑफिशियल पीसीज का मतलब ये है कि जो ऑफिस के पीसीज हैं उनमें आपने कोई ऐसी कनेक्टिविटी नहीं देनी है जहाँ से ये चांस हो कि आपका कोई भी ऑफिस के पीसी का डाटा जो है वो कहीं बाहर मूव हो जाए। लेकिन जब भी कभी सिस्टम्स को चेक किया जाता है तो पता चलता है जी आपने एक्सटर्नल स्टोरेजेस भी कनेक्ट की हुई हैं, आपने वाईफाई डिवाइसेस भी कनेक्ट किए हैं, आपने ऐसे तमाम ऑप्शंस यूज किए हुए हैं, इंटरनेट के जितनी भी विंगल टाइप की डिवाइसेस हैं वो तमाम यूज हुई हुई हैं। इसके अलावा यूएसबी के जरिए आपने डाटा भी माइग्रेट किया हुआ, यानी वो तमाम आपकी लॉग में मेंटेन हुआ हुआ होता है। क्यों नेवल हेडक्वार्टर ये बार बार कहता है आपको कि आपने ऑफिशियल पीसी से, पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि ऑफिशियल पीसी से मतलब क्या है। ऑफिशियल पीसी से मतलब ये है कि वो तमाम पीसी जिसमें, या वो तमाम एरियाज जहां पर आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा या ट्रेनिंग रिलेटेड डाटा या इंटर कॉरेस्पॉन्डेंस वाले मामला जहां भी कहीं हैं, उस डाटा के मौजूदगी में आपने कोई ऐसा डिवाइस या कोई ऐसी चीज कनेक्ट नहीं करवानी सिस्टम से जहां डाटा मूव ऑन होने के जरा से भी चांसेस हो। आपको पता है कि इस वक्त ओएस के ऊपर तमाम सिस्टम्स मूव हो रहे हैं, स्पेशली वो तमाम सिस्टम्स जहां पे ऑफिशियल कोरेस्पॉन्डेंस हो रही है। तो जितने ओएस के सिस्टम्स हैं वहां तो ये बात स्ट्रिक्टली जो है वो मना कर दी गई है, प्रोहिबिटेड है कि आपने वहाँ यूएसबी डिवाइसेस कनेक्ट नहीं करवानी, वहां पर आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जिसमें आपका डेटा किसी भी सूरत जो है वो कोई मिसयूज कर सके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? तो इस सब्जेक्ट का मकसद भी आपके पास यही है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो ओन करना है, अपने तमाम इक्विपमेंट को ओन करना है, अपनी तमाम चीजों को ओन करना है, और उनके मुताल्लिक आपको ये अवेयरनेस देना है कि किस तरह से आपने इन तमाम इक्विपमेंट को डील करना है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको तमाम स्मार्ट डिवाइसेस के मुताल्लिक ये बताएगा कि आपने ये तमाम डिवाइसेस जो हैं वो बहुत केयर के साथ हैंडल करनी है। आपने जहां भी कहीं ऑफिशियल डाटा है उस ऑफिशियल डाटा को मिसयूज नहीं करना है। उस ऑफिशियल डाटा के अगर कोई प्रिंटआउट्स निकले हुए हैं तो आपने ये नहीं करना कि वन साइड पे आपने कैंसिल किया, चाहे वो हमारा नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम ही क्यों ना हो। ठीक है, उसको एक साइड पे कैंसिल किया, दूसरी साइड पे आपने कोई भी रफ वर्क कर लिया, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी जो प्रिंटआउट है वो आपको ये बता रहा है कि आपकी डेली की रूटीन क्या है। बाज दफा हम कोई मेमो जो है वो प्रिंटआउट करते हैं, उसकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब आती है, तो आपने ये नहीं करना कि उसको एक तरफ से कैंसिल किया, दूसरी तरफ पे आपने उसको कुछ भी प्रिंट आउट करके किसी के भी हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके जो भी कोई कोरेस्पॉन्डेंस है वो आपके लिए बाज दफा बेकार हो जाती है, लेकिन जो कोई इन्वेस्टिगेशन पर है उसके लिए वो बड़ी इंफॉर्मेटिव हो जाती है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली ये सब्जेक्ट आपको ये समझा रहा है कि जो भी कुछ आप अपनी नेवल प्रेमिसेस में या आप कहीं आउटसाइड भी हैं, किसी एक पब्लिक एनवायरनमेंट में भी डील कर रहे हैं, तो वहां भी किसी कंपनी से रिलेटेड जो भी डाटा आप डील कर रहे हैं उस डाटा को डील करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है खासतौर पे कि
कि वो डेटा कहीं पे भी मिसयूज नहीं हो। ओके फाइन, तो हम अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डेफिनेशन के मुताबिक बताते हैं क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज बेसिकली अ प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अगेंस्ट अनऑथराइज डिस्क्लोजर, ट्रांसफर, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन, वेदर एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। यहाँ पे चार बेसिक वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपको हो सकता है थोड़े से डिफिकल्ट भी लग रहे हो। अनऑथराइज इसका मतलब क्या है? विदाउट परमिशन। डिस्क्लोजर का मतलब ये कि कोई भी चीज उसको आप ओपन करके किसी के भी सामने शो कर रहे हैं। ट्रांसफर का मतलब है मूव ऑन करना, मॉडिफिकेशन का मतलब है चेंज करना। तो ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आपने अपने डाटा को बचाना है, अपनी इंफॉर्मेशन को बचाना है ताकि कोई भी उसको मिसयूज ना कर सके। लेट सपोज एक पीसी आपको हैंडओवर कर दिया गया, उस पीसी के होल सोल आप इंचार्ज हो। अब बीइंग एन एंड यूजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब भी कभी अकॉर्डिंग टू नेवी पॉलिसी जब आपको कोई पीसी हैंडओवर किया जाता है तो उसपे एक स्ट्रीम ऑफ पासवर्ड्स होती है। पासवर्ड्स क्या है इस पे बात करेंगे हम आगे कि पासवर्ड्स क्या है। स्ट्रीम ऑफ पासवर्ड्स होते हैं वहां पे, प्लस वो पीसी हार्डवेयर वाइज बैक से सील होता है। ठीक है, आप आए, आपने सिस्टम अपना ऑन किया, अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं जनाब आपके हार्डवेयर के साथ कोई ना कोई मिस हैंडलिंग हुई तो डेफिनेटली सील जो है उसकी वो ब्रेक हुई हुई होगी। अगर सील ब्रेक हुई हुई है तो आपने उस सिस्टम को वहीं पे छोड़ देना है। आपका जो भी यूनिट आए वो है, जो भी डिपार्टमेंटल आए हुए है, आपने उसको रिपोर्ट करना है और उस चीज को उसकी कस्टडी में दे देना है। ये चीज आप किस वक्त करेंगे? जब आप अपने सिस्टम के मुतालिक अवेयर होंगे। आप जानते होंगे कि आपके सिस्टम का एटीट्यूड क्या है, आपके सिस्टम का बिहेवियर क्या है, आप अपने सिस्टम को जब ऑन करते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता। जो भी पासवर्ड्स हैं जब आपने ऑन किया, अगर वो पासवर्ड्स आपको ब्रेक मिल रहे हैं, ठीक है, तो भी आपका सेम एटीट्यूड होगा कि आप अपने डिपार्टमेंटल आईओ को रिपोर्ट करेंगे। सिमिलरली जब आपने सिस्टम अपना ऑन किया, आपको सब कुछ स्ट्रीम जो है वो नॉर्मल लग रही है, लेकिन आपको अंदर जाके पता चलता है कि नहीं जनाब मेरे पासवर्ड जो है वो ब्रेक हुए हुए हैं या चेंज हुए हुए हैं, तो भी आपने यही एसओपी अडॉप्ट करनी है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पासवर्ड कब चेंज होते हैं? जब हम किसी के साथ अपने पासवर्ड को शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मिस हैंडलिंग किसकी है, डिसओन करना किसका है, मेरा या आपका है जो सिस्टम को ओन कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बार बार ये कहती है आपको कि आपने अपने सिस्टम को कभी भी डिसओन नहीं करना है, आपने अपने सिस्टम को हमेशा हैंडल विद केयर के उसूल पे चलाना है। कोई भी ऐसा शख्स जो उसकी अथॉरिटी नहीं रखता है आपने उसको एक्सेस करने नहीं देना है। ठीक है, जब हम किसी भी अनऑथराइज एक्सेस को अलाउ नहीं करते तो हमारे सिस्टम से कभी भी कोई भी डाटा ना तो कोई ट्रांसफर होगा, ना उसमें कोई चेंजेस होंगी, ठीक है, ना ही कभी उस डाटा के अंदर कोई भी ब्रेकेज होगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो प्रोटेक्शन आपको रखनी है हमेशा अपने सिस्टम की कि कोई भी उसको मिसयूज नहीं कर पाए। जब प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास प्रोटेक्शन के अंदर जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के तीन बड़े इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, वो गोल्स क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो डिपेंड कर रही है तीन चीजों के ऊपर। वो तीन चीजें क्या हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इसको कहा जाता है CIA ट्राइड, और सम टाइम्स हम ये कहते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हैं ये तीनों चीज। तो जब हम इन तीनों चीजों की बात करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि जो भी ओनर है यानी जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपने डेटा को किसी और के साथ कभी भी शेयर नहीं करे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बार बार ये बात आपको समझा रही है कि जो डेटा आप डील कर रहे हैं वो डेटा जो है वो हमेशा
आपने इंटीग्रेट करके रखना है, यानी बैकअप करके रखना है कहीं पे भी सेफ जोन के अंदर, ताकि जब भी कभी कोई डाटा के मुतालिक मिस हैंडलिंग हो तो आप उसको अवेलेबल कर सकें। किसके सामने? दूसरों के सामने। वो दूसरे कौन है? ये नहीं कि कोई भी चलता फिरता शख्स है आप उसके सामने उसको अवेलेबल करते, नहीं, आप उसको अवेलेबल कर सकें उनके सामने जो उसको ओन करता है, जो उसका ऑथराइज यूजर है। अगर आप इस ट्राइंगल की प्रॉपर केयर करके चल रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका डाटा जो है वो हैंडल विथ केयर के उसूल पर ना डील करें। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है किसी को तो वो क्लियर कर ले कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपेंड कर रही है तीन बेसिक ट्राइट्स के ऊपर, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। और ये तीनों चीजें उसी वक्त फुलफिल होती हैं जब हम अपने डाटा को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाते। क्लियर है बात? अच्छा, इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा एंड यूजर जो है, यानी पर्सन शुड हैव एबिलिटी टू एक्सेस डाटा सफिशिएंट टू परफॉर्म प्राइमरी जॉब एंड नो मोर। उसको ये पता होना चाहिए कि उसके सिस्टम में डाटा को किस तरह एक्सेस करना है और वो अपनी जॉब्स को किस तरह से परफॉर्म करना है। इसके अलावा उससे ज्यादा की नॉलेज उसको नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेकेंड थिंग ये कि लीस्ट प्रिविलेज, पर्सन शुड हैव एबिलिटी टू डू टास्क विद सफिशिएंट प्रिविलेजेस टू परफॉर्म प्राइमरी जॉब्स। उसको ये पता होना चाहिए कि अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए उसको किस तरह से काम करना है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंश्योर हो कि नो पर्सन कैन अज्यूम टू रोल, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये कहती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो दो टास्क किसी भी एक बंदे को ना दिए जाए, यानी ओरिजिनेशन करने वाला एक अलग बंदा हो, ऑथराइजेशन करने वाला एक अलग बंदा हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क एक अलग बंदा कर रहा हो, वेरिफिकेशन लाजमी बात है, एक अथॉरिटी रखने वाला बंदा ही वेरिफिकेशन कर रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लीकेज हो सकती है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये कहती है कि ड्यूटीज जो हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी भी एक बंदे को एक से ज्यादा जो है वो ड्यूटीज असाइन ना की जाए। ठीक है, प्राइवेसी के मुताल्लिक कहा जाता है कि प्राइवेसी जो है वो प्रॉपरली मेंटेन की जाए। पता होना चाहिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है बंदा कि कौन सी चीज किसको हैंडओवर करनी है। लेट सपोज अगर एग्जामिनेशन का डाटा है और वो एग्जामिनेशन का डाटा ट्रेनी के हैंडओवर कर देते हैं तो फिर क्या होगा? आपके रिकॉर्ड्स जो हैं, जो एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स हैं, उनकी प्राइवेसी जो है वो क्या होगी? खतरे में आ गई ना, वो आपका डाटा जो है वो रिटेन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पर्सनल ऑफिस शुड चेंज परमिशन एज जॉब चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये कहती है कि अगर मेरे पास एक बंदा है वो किसी भी वजह से जॉब छोड़ के जा रहा है और वो मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, ठीक है, अगर वो इंपॉर्टेंट काम कर रहा था तो फिर उस बंदे के अंदर ये सलाहियत थी कि वो मेरे जी ईमेल हैंडलिंग भी कर रहा है, वो मेरा कोई टेंडर जो है उसके भी रेट कोट कर रहा है, वो जो है वो आगे भी चीजों को प्रोसेस कर रहा है और वो मेरे पास से जॉब लीव कर देता है, वो टेंडर ओपनिंग है नेक्स्ट वीक में। तो फिर तरीका उसका ये है कि मैं पहली फुर्सत में वो तमाम चीजें जो उस जिसका उसको ऑथराइज किया हुआ था, मैं उन तमाम चीजों को वहीं पे कट डाउन करूंगी, ईमेल पासवर्ड वगैरह सब चेंज करूंगी, ऑथराइज पर्सन को इन्फॉर्म करूंगी कि भाई ये बंदा आज के बाद से हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर रहा वर्किंग। अगर कोई टेंडर मैंने उसको उसके साथ शेयर किया हुआ था तो उस टेंडर के जो कोड्स थे उनको चेंज करूंगी, क्योंकि अगर वो बंदा कहीं और चला जाता है, मैंने रेट कोट किया हुआ लेट्स सपोज 10 रुपीज का, वो जाके दूसरी कंपनी में वही सेम चीजें जो है वो 9.99 पे कोट कर देता है, तो अकॉर्डिंग टू रूल टेंडर किस कंपनी को मिलेगा? उस कंपनी को मिलेगा जो 9.99 यानी लीस्ट कोट कर रही है। तो
इस बात के मुताबिक हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि जैसे ही कोई भी बंदा हमारे पास से लीव कर रहा है या कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो इन दैट केस उसके पास जितने भी राइट्स थे मुझे वो तमाम राइट्स क्या कर देने हैं, वहीं पे एंड कर देने हैं और किसी दूसरे बंदे को उन तमाम राइट्स को हैंड ओवर करना है ताकि मैं उन तमाम चीजों की प्राइवेसी को मेंटेन कर सकूं। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो काइंडली वो उसको नोट डाउन करे और जो है वो जो भी कोई ट्रेनिंग ऑफिस का बंदा अवेलेबल है उसको हैंड ओवर कर दे। क्लियर है यहाँ तक क्लास? अच्छा, नेक्स्ट उस पे जाने से पहले एक छोटी सी ऑडियो है, वीडियो है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसको जरा सा देखें ताकि आपको आइडिया हो कि आप मजीद क्या क्या चीजें यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें यहाँ पर आपको बीच में आती रहेंगी जिसको हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और उन चीजों में आपको बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें भी मिलेंगी। लेकिन देखें, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए है वो ये है कि आपने इस बात पे फोकस करना है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से सिक्योर करना है। ठीक है, क्लियर है बात? यू जस्ट वेट, मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ, आप इसको देखिए। ओके okay. ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको एक क्लिप छोटी सी दिखाई। उस क्लिप का मतलब क्या था? उस क्लिप का मतलब ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। जैसे मैंने अभी इग्नोरेंस की बात की थी, तो इग्नोरेंस के हवाले से हम ये बात कर रहे थे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर जैसे अगर मैं पीसी पे काम कर रही हूँ, काम करते करते मुझे पता चला जी कोई बंदा ऑनलाइन हो गया, मैंने उसके साथ चैटिंग स्टार्ट कर दी, चैटिंग करते करते उसने कोई हाइपर लिंक भेज दिया मुझे। हाइपर लिंक इज कोई भी ऐसी लाइन जिससे मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जा सकती हूँ या किसी वेब पेज पे जा सकती हूँ या कोई पेज डाउनलोड हो सकता हो। उस हाइपर लिंक से हो सकता है मेरा पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में चला जाए। अगर मैं किसी एक सेंसिटिव जगह पे काम कर रही हूँ तो उसूलन तो मुझे इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे बहुत सीक्रेट अंदाज में जो है वो कोड्स एंटर करके मुझे एंटर होना है, कोई कोड्स है, मुझे वहाँ कोई सस्पिशियस बंदा दिखाई दे रहा है, मैं उसको कंसीडर नहीं कर रही हूँ। वो बंदा अंदर एंटर हुआ, उसने वहाँ पे वो तमाम कॉन्फिडेंशियल डाटा जो हमारा मौजूद है उसकी स्नैपशॉट्स ले ली। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे नोटिफाई हुई वो ये कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो तमाम इमेजेस होती हैं या जो भी प्रिंटआउट्स होते हैं, हम उनको ऐसे ही डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो उनको कभी भी हमें ऐसे डिस्कार्ड नहीं करना है। उन्हें हमेशा हमें छोटे छोटे पुर्जों में यानी थ्रैशेज में कर देना है या फिर उन्हें जला के खत्म करना है। दीज आर द बेसिक थिंग्स जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, इसी तरह की एक छोटी सी क्लिप मेरे पास और है, वो भी आपको थोड़ा सा सपोर्टिव रहेगी बताने के लिए बहुत सारी चीजों को।
Welcome to another Learn and Gain session on ITIL. In this video, we will talk about information. Security management. It is a management activity within the corporate governance framework, which provides the strategic direction for security activities and ensures objectives are achieved. The purpose of ISM is to provide a focus for all aspects of IT security and manage all IT security activities. The term information is used as a general term and includes data stores, databases, and metadata. The objective of information security is to protect the interests of those relying on information and the systems and communications that deliver the information from harm resulting from failures of availability, confidentiality, and integrity. What should be included in an ISM? ISM process should include the production, maintenance, distribution, and enforcement of an information security policy and supporting security policies. Understanding the agreed, current, and future security requirements of the business and the existing business security policy and plans. Implementation of a set of security controls that support the information security policy and manage risks associated with access to services, information, and systems. Documentation of all security controls, together with the operation and maintenance of the controls and their associated risks. Management of suppliers and contracts regarding access to systems and services, in conjunction with supplier management. Management of all security breaches and incidents associated with all systems and services. The framework or the ISMS, in turn, provides a basis for the development of a cost-effective information security program that supports the business objectives. The frameworks to design, implement, manage, maintain, and enforce information security processes and controls systematically and consistently throughout the organizations. Objective is to establish a management framework to initiate and manage information security in the organization, allocate responsibilities, establish and control documentation. The objective of the plan element of the ISMS is to devise and recommend the appropriate security measures based on an understanding of the requirements of the organization. The objective of the implementation of the ISMS is to ensure that appropriate procedures, tools, and controls are in place to underpin the information security policy. Evaluation is to supervise and check compliance with security policy and security requirements, perform audits of technical security of IT systems, provide information to auditor. Maintain objective is to improve security agreements, implementation of security measures and controls, and so on. This should be achieved using a PDCA cycle, which is a formal approach suggested by ISO 27001 for the establishment of the Information Security Management System. Information security is not a step in life cycle of services. It needs to be an integral part of all services and is an ongoing process that needs to be monitored continuously. Security measures can be used at a specific stage in the prevention and handling of security incidents, as illustrated. Let us take a look at the various security controls with some examples. Allowing authenticated users to access information on a server, preventing from everyone to access the information on a server. Enabling access control on servers is preventive. Taking backup of your information on a regular basis to prevent loss of information due to some unforeseen incident. Even if data is lost, most of it can be recovered.
It is always important to discover the threat as soon as possible. Enabling monitoring to detect threats, antivirus software monitoring virus alerts are examples. A counteractive measure for repeat incidents. An example could be an account getting locked after incorrect password attack. ओके फाइन, इस वीडियो से आपको ये आइडिया हो गया कि आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से काम करती है. ठीक है, बस यहीं तक आज का लेक्चर है. इन चीजों को आप गो थ्रू कीजिए, ठीक है, इसको अच्छी तरह से रिकॉल कीजिए, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर.